आज रविंद्र भारती में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे मोस्ट सीनियर हामिद कमाल साहब, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आर्टिस्ट है, राइटर है और बहुत ही अच्छे फ़नकार है, जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए पूरी दुनिया में लोगों को हंसाया है और हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में जो है फैलाया है, हैदराबाद के आर्टिस्टों को पहुँचाया है, और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के ज़रिए हो, चाहे बाहर मुल्कों में बड़े बड़े कॉमेडी शोज़ के ज़रिए हो, और डेढ़ मतवाले के नाम से जिन्होंने 50 साल से ये अपना शो कर रहे हैं, तो आज उसकी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी के मौके पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पर काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स, कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, एक्टर्स, बहुत लोग यहाँ पर आए और हमारे प्रेस मीडिया के सभी लोग और कई सारे और भी दूसरे लोग यहाँ पर आए। माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई देखकर और यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो गुजरा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हामिद कमाल साहब जिस तरह से 50 सालों से लोगों को हंसाते आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम सबको और भी हंसाते रहेंगे। और इस मौके पर मैं हमारे सुभानी साहब, जो कि हामिद कमाल साहब के साथी थे, जिनके दोनों की केमिस्ट्री बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी कॉमेडी की, और लोगों को हंसाना, लोगों के आँख से आंसू चुराना, लोगों के गम, उनकी कॉमेडी देखकर लोग गम भूल जाते थे और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। तो आज मैं बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ हमारे सुभानी साहब की, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। मैं ये दुआ भी करता हूँ कि सुभानी साहब को अल्लाह जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और हामिद कमाल साहब को अल्लाह जो है सेहत दे और इसी तरह उन लोगों को हंसाते रहे ताकि लोग अपने गम भूलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका थोड़ा एक बायोग्राफी थोड़ा बोलना था, जो पब्लिक जो अपने ऑडियंस में बहुत उससे आपको जानकारी वो करने के लिए बहुत बेताब है जी। कैसा आपका कैरियर शुरू हुआ था, जरा थोड़ा उसके लिए। मेरा कैरियर देखिए, मेरा कैरियर मैं मिमिक्री से स्टार्ट किया हूँ। 2008-2009 से मैं शुरू कर दिया था, मतलब मिमिक्री करना। 2005-06 से मैं ऐसे ही दोस्तों में करता था, लेकिन 9-10 आधे तक मैं जो है ऐसे ही हामिद कमाल साहब है हमारे, और जो भी हमारे जो जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट है, जितने भी यहाँ पर हैदराबाद में शोज़ होते थे, मैं वहाँ पर जाता था। हमारे सुभानी भाई है और हमारे जितने भी दूसरे भी आर्टिस्ट हैं, उन सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हमारी हैदराबादी फिल्में, गुल्लू दादा है, हमारे अजीज़ नासिर साहब है, आर के मामा, शिवा भाई है, और अकबर बिन तबर भाई जो कि मेरे बड़े भाई है, बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। तो इन लोगों को देख देख कर मैंने सीखा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेज पर, हामिद कमाल साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया स्टेज पर, कई सारे हम लोगों ने स्टेज शोज़ किए, यहीं रविंद्र भारती में जॉनी लीवर साहब के सामने भी मुझे परफॉर्म करने का फ़र्स्ट टाइम पर मौका दिया था, और बैंगलोर, ख़तर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, कई सारे जगहों पर मैंने स्टेज शोज़ किए, और कई सारे हैदराबादी मूवीज़ किए और कई सारे सीरियल्स किए जो नेशनल सोनी टेलीविज़न के लिए, स्टार वन के लिए, और जो है मेरा ख़ुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है शहबाज खान, जिसपे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी की दुआएं हैं, जिसपे मैं एवरी वीक वीडियो डालता हूँ और बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत जो है कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं, लोग सजेशन करते हैं और तारीफ़ करते हैं, पसंद करते हैं। और ज़्यादातर हमारा एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है नूर भाई, वो उसको बच्चे और बड़े घरों में बहुत पसंद करते हैं। कई लोग लिटरली हमको ऐसे मिलते हैं जो मिलके बोलते हैं, भाई हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब थी भाई, आपके वीडियो देखते थे भाई, आपकी वीडियो देख के हंसते थे, तो मेरे को बहुत खुशी होती थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है कि किसी की माँ, किसी के वालिद उन खुश हो रहे हमारे वीडियोज़ को देख के, हमारे जो है कॉमेडी को देख के, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कई लोग मिलते गए, भाई हमारा बच्चा आपका वीडियो देख लेता, खाना नहीं खाता भाई, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं और घर में इन्जॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक जो है लोगों को अच्छा दिख रहा है, हमारी कॉमेडी पसंद आ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है। आने वाले जनरेशन में जैसा भी जो आपके जो चाहने वाले हैं, उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, चाहने वालों के लिए मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आजकल हम जो हालात देख रहे हैं, तो आजकल के ज़माने में लोग हंसना हंसाना बहुत कम हो जा रहा है। हंसाना तो लोग चाह रहे हैं, लेकिन लोग हंस नहीं रहे, क्योंकि हर कोई जो है एक दूसरे में किसी ना किसी उलझन में, किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में, या कोई कोई मसले पर हर कोई सोच में, डिप्रेशन में जा रहा है, तो लोग खुल के हंस नहीं रहे, खुल के इंजॉय नहीं कर रहे। तो मैं सभी को यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को इंजॉय करिए, अपने माहौल को, अपनी ज़िंदगी को जो है आप जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करिए, लोगों के काम आइए, इंसानियत के भले के लिए सोचिए, और हंसिए, अपने आप में आप जो है रिलैक्स रहिए और जो है अपने आप में सुकून में रहिए,
और लोगों को भी सुकून में रखने के लिए कोशिश करिए, यही मेरा एक मैसेज है। अभी और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आने वाले अभी समय में अभी आप क्या करना चाह रहे हैं और मूवी का ऐसा कुछ ऐसा प्लान है? बिल्कुल, हाल ही में हमारी एक शॉर्ट फिल्म आई थी जिसका नाम है कौन बनेगा डॉन, जो कि LB प्रसाद जो एक लैब है जहाँ पर टॉलीवुड मूवीज़ के